अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे वर्ष, क्या हाल है? ठीक ठाक खरीद देना अल्लाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हाँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो दुहा को फील थी ना प्या हो सी। अगर कहीं वेंदा पिया हो बंदा चेंज सुखिया पाउडर मेकअप, तो कोई आंदा पिया हो किचन चूल्हा बर्तन ये चीज़ा दे के तो को आइडिया थी गया उसी। मैं तो आखे ना सारे हर मुल्क तकरीबन ईद वन वीक पूरा चल रही है, तो कल को हर कहीं दौड़ शुरू थी वैसी पीर दा दिए, हर बिजनेस काम पढ़ाई स्टार्ट थी वैसी। तो असा सारे घर मेहमान आते पैमा तो बरकत होने, तो ये असा चिकन कढ़ाई बने पैसे, ये टमाटर ये चावल, तो एक चिकन चावल वास्ते एक सालन वास्ते कंप्लीट तो ना दिखा सकसो। तो पता है जो मेहमान आते पे उन्हें इतनी मसरूफियत होंगी है, तो जैसी वजह को डिटेल नाल बंदा नहीं दिखा सकता। ये भी बहुत अच्छी मशीन होंगी है जड़ी भी हो, इंदा होने भी जरूरी होंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ा होंगे जरा ग्राइंड करके बिच सालन दे पावन हो जाए, तो इंदे नाल बहुत जल्दी काम की वे प्याज वगैरह उन्हें को गालन तो जिम्मे टाइम लगते और नहीं लगता। टाइम होया तो खाना भी शेयर करे सो, नहीं तो हूँ असा थोड़ा जहा भी मसरूफियत है जी वो भी तुहाडे नाल शेयर तो करे सूँ, कुछ ऐसी मसरूफियत है जी शेयर नहीं से कर सकते। थोड़ा जहाँ असा भी झुंझ रत्ती करते हैं, पोचा शोचा मरेंदे हैं मुँह ते वल मिलते हैं। मेहमान आए तो कंप्लीट खाना पछाना नहीं दिखा सके, माशाल्लाह खा दे बैठे गप्पा शप्पा की तेन वापस चले गए। रात को बाद असा घर में ही शामी बने तो तुसा कंप्लीट वीडियो देखो, सारे शामी देखो बर्गर बने दे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे। इन्हें असा सबज मिर्च अदरक लसन का पेस्ट नमक मिर्च तिक्का मसाला खुश्क धनिया पिसा हुआ जीरा ते एक चम्मच मिठे सोडे का ये करके शामी बना गए। इन शक्ल असा इन बर्गर बने दे पैसे गोल बन जो होंगे इन किस्म के ब्रेड क्रम्स या मैदा दो चीज़ा यूज कर सकते वे। ये अंडा है असा इन्हें को बना गए तैयार कर गए थे, तो जेड़े वेले इन्हें को वाल मजीद बन दे रखे दे तैयार करते हैं खाते हैं सैलड वगैरह नाल बने सो कैचअप मैनीज ले सो बहुत ही मज़ेदार ते टेस्टी बनते, ते कोई मुश्किल ही कह नहीं बने दे खाते हैं नाल नाल तो पूरी रेसिपी मजीद बनावन वाली भी दिखा दें। हूँ बनावन के बाद असा एक मैदा ला लीते सारे को मैदे नाल कंप्लीट ला के, तो इन्हें नाल ये होंगे कि पहले अच्छा खासा चिपक वेंदे, तो उन्हें नाल वाल असा अंडा ला तो लेने हैं ना तो क्रिस्पी भी थींदे, तो इन्हें नाल खुलदा भी नहीं टेस्ट भी बहुत अच्छा बन दे। इवें ही बने सो तैयार कर सो बहुत मज़ेदार ते टेस्टी ला दी हूँ अंडे में डिप कर गए मैं, तो ये तुसा डबल रोटी ये ला दी ये तैयार हूँ असा इन्हें को कर गई सो तो वाल असा इन्हें को खा गई सो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन गई है। तुसा बाजार की गिरानी भूलवे सो अगर घर की चीज़ बने सो तो बड़ी तसली भी होती है माशाल्लाह फ्रेश भी होती है, कोई ऐसी चीज़ इन्हें मिली भी नहीं होती जितों वहम थी मिसाले वगैरह बाहर के अच्छे नहीं होते मेरे को इजाबियत वगैरह थी है। घर की चीज़ बहुत ही टेस्टी तो अच्छी बनती है तो इन्हें इजाबियत ही नहीं थी मेरे को तुसा ला सकते हो। मैं पेस्ट इवें अच्छा जहाँ बना दें बहुत ही टेस्टी होने मैनीज मैनीज के अलावा कैचअप मस्टर्ड पेस्ट ते अद्धी चमची मिर्ची छत्ता नहीं होता जोड़ा वो सड़ लो मिक्स करके, तो ये मैं इं तरीके लैनी हाँ बहुत ही टेस्टी थी ने। मैं तो को पहले भी आके तुसा जिमें मैं चीज़ा बनाया इवें बड़े सो तो इंशाल्लाह तुसा मार्केट की चीज़ गिनन भी भुल वे सो। देखो असा समझे सारे बर्गर बने हो सजे शामी बर्गर को ज्यादा वजह हैं तो इतना वजह मार्केट वाले देन नहीं बड़ा टेस्टी जितना स्पाइसी बनाओ लाइट बनाओ तुसा उ तरीके से अपना बना सकते वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारा बर्गर कंप्लीट तैयार है। कंप्लीट बर्गर खाओ।
बीजी बेबे को कमेंट में दसाओ कितना अच्छा बनया पे ते तू सा की में बनाए बाकी टेस्टी है या कोई नहीं। सोनल बा फ्रेश ताज़ा बने हुए बहुत ही टेस्टी है तो से दा हलवा भी खाओ तो एंजॉय करो बड़ा मशहूर ही बंदे दा बने अच्छा है जिले शहर बंदे उन शहर दा मशहूर हलवा है कई दफ़ा नमकीन चीज़ खा के मिठी चीज़ खाने वास्ते बड़ा दिल करेंगे ते ए हलवा बनते खाओ तो सा शरीफ दे विच बड़ा टेस्टी होंदे है।